डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बॉयलर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि बॉयलर के ऊपर अभी तक काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने जो है आपको एनिमेशन के हेल्प से दिखाए, पावर पॉइंट के हेल्प से दिखाए। आज उस बॉयलर के कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, जैसे कि बॉयलर परफॉर्मेंस, बॉयलर की इफ़िशियंसी एनालिसिस, और एक इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर। क्या आता है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, तो ये भी चीज़ हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, तो देखिए अभी तक हम जो बता चुके हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर बताए हैं, बॉयलर एक्सेसरी जैसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, स्टीम इंजेक्टर, फीड पंप, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और टाइप ऑफ बॉयलर में भी, क्योंकि इसको हम बताएं उसके पहले टाइप ऑफ बॉयलर बताना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने लेक्चर नंबर 76, 77, 78, 79 ये सब में हम बॉयलर के काफ़ी सारे, अब इसमें जो है जो आपको बॉयलर्स बताए थे, इसमें कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, उसी तरह हाई प्रेशर बॉयलर में लेमेंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लेफलर बॉयलर, ठीक है ना, और वेलॉक्स बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब आप सोच सकते हैं कि सब में जो है अल्टीमेटली करना क्या है हमें, कि पानी को गर्म करना है, पानी स्टीम जनरेट करना है, चाहे वो वाटर ट्यूब बॉयलर हो, फायर ट्यूब बॉयलर हो, हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो। हाई प्रेशर दैट मीन्स कि 100 bar के ऊपर जो भी हम लोग बॉयलर रन करते हैं, दैट इज द हाई प्रेशर बॉयलर। और बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज, माउंटिंग तो खैर कंपलसरी एलिमेंट है, और एक्सेसरीज उसके इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर, इसको समझिएगा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर, ठीक है। अब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर जो है, इसमें बेसिकली क्या है, कोई भी बॉयलर है, अभी हमने कम से कम 8 से 10 टाइप्स ऑफ बॉयलर को हमने बता दिया आपको, समझिएगा, टाइप्स ऑफ बॉयलर हमने 8 से 10 बता दिए, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या हर बॉयलर की इफिशियंसी सेम होगी? हर क्लास में हमारे 60 बच्चे बैठते हैं, सबको मैं ही पढ़ाता हूँ, सबको सेम इन्वायरमेंट मिलता है, सेम सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में क्या सबके सेम मार्क्स आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना। ठीक उसी तरह से हर बॉयलर की अपनी एक जो है कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी? इवेपोरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली, मास ऑफ स्टीम, मैं लिख देता हूं, मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट ग्रेट एरिया, पर यूनिट ग्रेट एरिया मतलब जहाँ पे हम लोग कोयला को जलाते हैं, या आप बोल सकते हैं पर यूनिट फर्नेस वॉल्यूम, या इसी को बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक ना। अच्छा की बात नहीं है, बात है किसकी? जरूरत की और गिवन की। दैट मीन्स कि मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट टाइम सबसे बढ़िया है, पर यूनिट टाइम। अब दो बॉयलर है, एक एक घंटा दोनों को चलाए सेम कंडीशन में, तो आप देखते हैं कि दोनों की जो है स्टीम जनरेशन कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट बॉयलर्स हैव डिफरेंट इवेपोरेटिव कैपेसिटी, दो बॉयलर को कंपेयर करने के लिए, ठीक ना, डिफरेंट प्रेशर पे हो, डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, ठीक ना, उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड बाई द बॉयलर पर यूनिट
टाइम फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा इस चीज को, क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम मतलब सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर कौन सा, आपको याद होगा यही जो है डोम शेप बनाते थे स्टीम टेबल में, तो इस सेचुरेटेड लिक्विड लाइन होता था और इस सेचुरेटेड वेपर लाइन होता था, ठीक है, मोलियर चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड बाय द बॉयलर पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्या है, वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हम लोग क्या बना देते हैं, इसको स्टीम बना देते हैं, ठीक है ना, हीट अप करके, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अलग अलग बॉयलर को जो है हम लोग कंपेयर करते हैं और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक है। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा लिख दूँ, द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड That could be generated by the boiler per unit time from water at 100 degree Celsius, water at 100 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. ठीक है, इज नॉन एज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक है। अब इस इक्विवेलेंट जो है दैट मीन्स कि द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड बाय द बॉयलर टू ईच केजी ऑफ स्टीम, तो अब ईच केजी ऑफ स्टीम, ठीक है ना, तो जनरली जो है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 2260 किलो जूल, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पर केजी, अंडर दिस गिवन कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम में फुल्ली कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगती है, 2260। अब मान लीजिए कि बॉयलर जो है MS मास ऑफ स्टीम, MS kg ऑफ स्टीम पर आवर एट ए प्रेशर ऑफ जो है एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T पे जनरेट करता है, और इंथेल्पी जो है इसकी HF1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इंथेल्पी ऑफ स्टीम पर kg ऑफ द जनरेटिंग स्टीम हो गया, तो H यदि आप निकालेंगे तो HF प्लस HFG फॉर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, क्या है, फॉर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, ये पढ़ा चुके हैं फिर भी मैं बता देता हूँ। उसी तरह से H इक्वल टू ही क्या हो जाएगा, HF प्लस XHFG किसके लिए, वेट स्टीम के लिए, और यही H क्या हो जाएगा, HF प्लस HFG प्लस CP और T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेशन फॉर सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। अब यहाँ पर यदि HF आपका स्पेसिफिक इंथेल्पी ऑफ वाटर, अब ये H गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे कि कौन सा कंडीशन दिया हुआ है हमारा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको जैसे ही आपने निकाला, एच की वैल्यू, और आप HF मान चुके हैं कि उस स्टीम के लिए है, तो आप क्या निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, हीट गेन्ड बाय द स्टीम, क्या लिखेंगे, हीट गेन्ड बाय स्टीम फ्रॉम बॉयलर पर यूनिट
टाइम, ठीक ना, दैट इज एम एस एच माइनस एच एफ वन, ठीक ना। एच माइनस एच एफ वन कौन सा है, यही एच एफ वन है और ये एच है, ध्यान दीजिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो जाएगा एम एस मास ऑफ स्टीम। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैसे निकल जाएगा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो है कैसे निकल जाएगा आपका इक्वल टू एम एस, यही एच माइनस एच एफ वन अपॉन, और स्टैंडर्ड कितना होता था 2260 केजी, ठीक है ना, ये हो जाएगा केजी। तो ये बेसिकली क्या निकलेगा आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जो है आपका निकल गया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज दिस वन। तो ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आप निकाल लिए। अब एक सेकेंड टर्म इसी में देखिए, इफिशियंसी इवेपोरेटिव कैपेसिटी, इसी में इवेपोरेटिव कैपेसिटी आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, इसी में मैं बता रहा हूं, इवेपोरेटिव कैपेसिटी, इवेपोरेटिव कैपेसिटी मतलब जो आपने एम एस निकाला, दैट मीन्स कि बॉयलर इन टर्म्स ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब एम एस कितना स्टीम जनरेट हुआ पर यूनिट टाइम अपन एरिया ऑफ ग्रेट, एरिया ऑफ ग्रेट। कभी आप कोयले की चूल्हा देखे हो ना, तो नीचे जो वायर लगा रहता है उसकी एरिया, दैट मीन्स कि ग्रेट लगा होता है, उसी को ग्रेट बोलते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं एम एस अपन वॉल्यूम ऑफ द फर्नेस, क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्नेस, ठीक है। अब इवेपोरेटिव कैपेसिटी हो गया, ठीक ना, एक्चुअल इवेपोरेशन क्या होता है, ये भी मैं लिख दूं एक्चुअल इवेपोरेशन। एक्चुअल इवेपोरेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू एस्टीमेट एक्चुअल वर्किंग कंडीशन पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड, याद रखिएगा अमाउंट ऑफ, मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे, अमाउंट ऑफ, ऐसे मैं इतना बार बोल देता हूं कि आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम एट एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, एक्चुअल एट एक्चुअल वर्किंग कंडीशन पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, ठीक है ना, पर केजी ऑफ फ्यूल कितना बर्न हुआ उसके आधार पर एक्चुअल इवेपोरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ना ग्रेट से मतलब है ना वॉल्यूम से मतलब है, मतलब किससे है कि जितना हमारा क्या बोलते हैं फ्यूल जला, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें इनर्जी मिल जाए, ठीक है। अब लास्ट एक आ जाइए, बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी इसको रफली हम लोग बोलते हैं, क्या बॉयलर एफिशिएंसी, तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर पर यूनिट टाइम टू द हीट लिबरेटेड बाय द कंबसन ऑफ फ्यूल, जो मैं बार बार बोल रहा था ना यहाँ पे कि फ्यूल कितना जला और कितना स्टीम जनरेट हुआ, ठीक है, तो दैट इज द एम एस, और इधर आपका एच माइनस एच एफ वन, यही एम एस एच माइनस एच एफ वन क्या है इवेपोरेशन, ठीक है, हीट गेन बाय द स्टीम, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ठीक है, अब लिखने की जरूरत तो नहीं है। एम एस क्या हो गया मास ऑफ स्टीम, एच क्या हो गया इंथैल्पी ऑफ द स्टीम, माइनस एच एफ वन, एच एफ वन क्या हो गया आपका गिवेन इंथैल्पी, जब आप वाटर उसमें बॉयलर में डालते हैं तो वाटर की अपनी कुछ तो इंथैल्पी होगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे आप वाटर बॉयलर में डालें, ठीक है ना, तो वाटर बॉयलर में डालेंगे तो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पे तो होगा वो, ठीक है ना, और फिर इसको गर्म करके आप 200 किए तो आपको मिला कितना 175 डिग्री मिला ना टेम्परेचर में, उसी तरह इंथैल्पी भी है कि जब आप वाटर डालेंगे तो कुछ तो होगा उसकी इंथैल्पी, ठीक ना, तो कुल मिला करके ये आपका हो गया एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर।
और इस इफिशियंसी ऑफ बॉयलर में ध्यान दीजिएगा कि इकोनोमाइजर हो गया, सुपर हीटर हो गया, ठीक है ना, ये सबको एज ए सिंगल यूनिट जो है हम लोग मान करके चलते हैं। सिंगल यूनिट यदि मान कर चलेंगे, चाहे सुपर हीटर हो गया, चाहे जो भी एक्सेसरीज आपने लगाए हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। क्या बोलते हैं उसको? ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। ओवरऑल इफिशियंसी में क्या होता है कि इफिशियंसी ऑफ बॉयलर प्लस एक्सेसरीज, एक्सेसरीज भी इसमें कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा क्या क्या देखे हम, बॉयलर इफिशियंसी देखे, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, एक्चुअल इवेपोरेशन कैसे निकालते हैं, इवेपोरेटिव कैपेसिटी निकालना आप समझ गए, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन समझ गए, और जो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का डिफिनीशन, इसका कॉन्सेप्ट, ये सब जो है। तो आज बॉयलर परफॉर्मेंस में हम लोगों ने क्या समझा, एफिशिएंसी एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द बॉयलर, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझे, और इवेपोरेटिव कैपेसिटी ये भी हम समझे। तो आई होप कि दिस लेक्चर विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर यू। और इसके बाद जो है हम जैसा कि बता चुके हैं कि हम जो है पढ़ेंगे ड्रॉट कि जब बॉयलर से आप फ्यूल बर्न करते हैं, तो गांव घर में आप चूल्हा देखे होंगे, जब चूल्हा जलता है तो उससे धुएं तो निकलते हैं, तो धुआं निकालने की जो एक जो है आप बोल सकते हैं मेथड या प्रोसेस जो है, दैट इज द ड्रॉट प्रोसेस। तो उस ड्रॉट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाइट ऑफ चिमनी निकालेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।